तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने लिए एक नया YouTube अकाउंट कैसे खोलें। सबसे पहले तो आपको YouTube की वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। उसका पता है youtube.com, youtube.com। जब YouTube की वेबसाइट खुल जाएगी तो आपको दाहिने कोने में साइन इन नाम से एक बटन दिखाई देगा। अगर आप उस पर क्लिक करें तो एक नया पन्ना खुलेगा। तो यहाँ आपको क्रिएट एन अकाउंट नाम से जो बटन दिखाई देता है उस पर क्लिक करें, तब एक नया पन्ना खुल जाएगा जिसमें आपको अपना नाम और यूज़र नेम आदि के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ हम देखें कि इसमें आपको किस प्रकार की जानकारियाँ लिखनी होंगी। यह सारी जानकारी आपको अंग्रेज़ी में ही लिखना आवश्यक है। यहाँ पर नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, आपका पहला नाम और आपका अंतिम नाम, ये दो नाम। उसके बाद चूज़ ए गूगल यूज़र नेम। तो इस अकाउंट के साथ ही आपको जीमेल का भी अकाउंट मिल जाता है, तो यूट्यूब के साथ साथ आप जीमेल का भी प्रयोग कर सकते हो। तो इसके लिए अपने पहले नाम और अंतिम नाम को जोड़कर कोई यूज़र नेम बनाएं। जब भी आप कोई गूगल का यूज़र नेम इस बक्से में लिखोगे तो गूगल अपनी पुराने नामों की सूची में उसे खोजकर यह बताएगा कि क्या उस प्रकार का नाम किसी और ने पहले से ही ले रखा है या नहीं। तो इस प्रकार आप अपने नाम में कुछ परिवर्तन करके या उसके सामने कुछ नंबर आदि जोड़कर कोई ऐसा यूज़र नेम चुने जो किसी दूसरे के द्वारा प्रयोग में नहीं लाया गया हो। यह होने के बाद आपको एक पासवर्ड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पासवर्ड के बारे में यहाँ लिखा गया है कि यहाँ पर पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए। इसमें आप अंक और अक्षर दोनों का प्रयोग कर सकते हो, और साथ ही जो कैरेक्टर्स हैं जैसे प्रश्न चिन्ह है या अधिक या प्लस माइनस हैश क्वेश्चन मार्क फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश इस तरह के जो चिन्ह हैं इनको जोड़कर एक आप अच्छे से पासवर्ड बना सकते हो। और जब भी आप पासवर्ड बनाओ तो उसे आप पहले एक कागज़ पर लिखें, अगर संभव हो तो एक डायरी में लिख के रखें। डायरी में आपका गूगल का यूज़र नेम और पासवर्ड लिख कर रखें ताकि वो कहीं भूल न जाए। तो लिखा हुआ पासवर्ड आपको दोबारा यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो जानकारी है आपका बर्थडे और आपका लिंग भी यहाँ पर पूछा गया है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन हो तो मोबाइल फ़ोन का नंबर भी आप इसमें जोड़ सकते हो। और साथ ही अगर आपका कोई दूसरा ईमेल अकाउंट हो तो वह भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर उसके बाद एक वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है। इसमें आपको उस समय स्क्रीन पर जो अंग्रेज़ी शब्द दिखाई देते हैं उन्हें पहचान कर नीचे दिए हुए बक्से में लिखना ज़रूरी होता है। अगर आपने इस प्रकार की चीज़ पहले नहीं की हो तो शायद आपको ये अक्षर पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो हो सकता है किसी अनुभवी व्यक्ति से सहायता लें। गूगल के द्वारा एक और भी सुविधा यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर एक बक्सा है, उस पर क्लिक करने से स्किप दिस वेरिफिकेशन, फ़ोन वेरिफिकेशन में भी रिक्वायर्ड। तो गूगल आपको फ़ोन के द्वारा या संभवतः SMS के द्वारा आपका वेरिफिकेशन कर सकता है। तो इसके लिए आपको आपका मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पर देना
आवश्यक होगा उस समय। फिर उसके बाद यहाँ जो बक्से हैं गूगल की टर्म्स एंड सर्विसेज और प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर क्लिक करें और फिर ये नेक्स्ट स्टेप का बटन दबाएं। तो अगर यह फॉर्म भरते समय अगर कहीं कोई गलती हो गई हो तो उस गलती का संदेश आपको लाल रंग के अक्षरों के द्वारा दिखाई देता है, तो उन गलतियों को दूर कर फिर नेक्स्ट स्टेप दबाएं तो आपको अगले चरण में आप पहुंच जाओगे। इस प्रकार यह फॉर्म भर के आप अपना YouTube का अकाउंट खोल सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।